दोस्तों, यूं तो दुनिया में स्मगलिंग के कई अजीब तरीके देखे गए हैं, पर क्या आपने सुना है कि किसी ने शहीद सैनिकों की लाश में ड्रग स्मगल किए हो? नहीं तो शायद आपने अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर फ्रैंक लुकेस के बारे में तो सुना ही होगा। फ्रैंक लुकेस वही ड्रग डीलर है जो अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, फिर चाहे अपने काम के लिए उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी हो। लुकेस ने अपने समय में ड्रग स्मगलिंग को इस तरह से किया कि उसे आज तक का सबसे खतरनाक डीलर माना गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे एक छोटा सा गरीब बच्चा बना अमेरिका का ड्रग लॉर्ड। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में रहने वाले फ्रैंक की जिंदगी शुरुआत से ही काफी मुश्किलों से भरी थी। जहां वो रहता था वहां पर गरीबी और जुर्म बहुत बड़ी परेशानी थी। रोजाना ही कहीं ना कहीं चोरी होती तो कहीं पर हत्या। ऐसे में फ्रैंक बहुत ज्यादा वक्त तक इस माहौल से दूर नहीं रह पाया। कहते हैं कि वो सिर्फ 6 साल का था जब उसके सामने उसके एक भाई को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। ये पहला मौका था जब फ्रैंक का सामना सच्चाई से हुआ था। इस हादसे के बाद फ्रैंक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और जिंदगी धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल हो रही थी। ऐसे में घर के हालात सुधारने के लिए फ्रैंक को ही आगे आना पड़ा। फ्रैंक तब एक छोटा बच्चा ही था जब उसने अपनी भूख मिटाने के लिए पहली बार जुर्म का सहारा लिया। उसने एक जगह से पहली बार खाने की चोरी की।